ये जो गाना है मुझे सोनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली. एक्चुअली जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं योगी का, बहुत प्यारा कैरेक्टर है. ये बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं. तो ये जो गाना जब मेरे सामने लेके ही आए थे जो क्रिएटिव डायरेक्टर सरेंद्र सर, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ गाना सुन के, क्योंकि जो लिरिक्स थे वो भी इतने ज़्यादा टची हैं, इतना मतलब पूरा जस्टिस करते हैं इस पूरे योगी कैरेक्टर के साथ जो इनकी जर्नी होने वाली है आगे जाके, उस पूरे कैरेक्टर को वो बहुत ज़्यादा उसका तालमेल बहुत अच्छा है दोनों का. तो सोनी को ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतने खूबसूरत कैरेक्टर के लिए मुझे गाने का मौका दिया. और सज्जाद सर जो हैं उन्होंने इस गाने को कंपोज़ किया है, उनके बेटे ने इसको संगीत दिया है, और जमा सर हैं उन्होंने इसको उसके लिरिक्स लिखे हैं. और बहुत खूबसूरत गाना है, इसके चार अंतरे हैं जो कि आज शाम को 8 बजे आप सभी को सुनने को मिलेंगे. बहुत खूबसूरत गाना है, लिखा भी बहुत खूबसूरती से गया है, और जैसे कि आपने पिछले कल ट्रेलर में देखा है, इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे जो उसमें जेस्चर्स इन्होंने दिखाए हैं करके, तो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाना आप सभी के सामने आने वाला है. और मैं सभी से अपील करना चाहूँ कि आज शाम को 8 बजे ज़रूर वो ये गाना सुनें, और इनको जो ये जेस्चर्स कर रहे हैं वो ज़रूर करते हुए देखें. ये गाना एक्चुअली मैं हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, तब मैंने पहली बार सुना था. और ऐसा मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार भी ये सुना था कि अगर जैसे मेरी तो चली मुदित एज ए एक्टर, जो अगर योगी की आवाज़ होती तो मुझे इतनी कनेक्ट करी ये आवाज़, इतनी यूथफुल है, इतनी सूदिंग सी एक आवाज़ थी, ऐसा लगा कि योगी की अगर आवाज़ होती तो यही होती. तो जब गाना सुना था तो उसी टाइम बहुत पसंद आया था. और अभी रिसेंटली बॉम्बे में हम सेट पे शूट कर रहे थे, तो शूट करते टाइम भी बहुत मज़ा आया. बहुत डिफ़िकल्टी नहीं हुई क्योंकि इतना मेलोडियस है वो, आपका जब साथ में बज रहा था तो एवरीथिंग जस्ट went with the flow, so it was a lot of fun and thanks to him, इसने इतना अच्छा मतलब perform किया है. so आज अब देखते हैं audiences को कैसे accept करती है. तो I think there is no other place like Mumbai. I've travelled a lot and I've loved every place, पर मुंबई में एक ऐसी बात है जो you go anywhere and after a week or 7 days or 8 days you feel like अब बॉम्बे वापस चलना है. तो मुंबई में कुछ है जो आपको खींचता है वापस, यहाँ का जो एक माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ है, एक स्पिरिट है मुंबई की जो बहुत प्यारी है, और बार बार यहाँ वापस आने का मन कर. मेरा जो इन एंड आउट का जर्नी है पूरा वो मुंबई में ही हुआ था, सारे शूट्स यहाँ पे होते थे. और मैं एक बचपन से सपना होता है हर एक कलाकार का, जो भी वो भले ही मॉडल है, सिंगर है, जो भी उनके अंदर कला है वो, क्योंकि मुंबई एक सबसे बड़ा हब है, यहाँ पे कलाकार सारे के सारे कलाकार यहीं पे आके सेटल होते हैं, उनका सपना है मुंबई में रहना. और मैं भी घर से एक सपना लेके आया था, आप लोग जानते हैं स्टोरी, मेरी मम्मी को ताला लगा के मार के आया था और इंडियन आइडल का मेरा जर्नी शुरू हुआ था. तो बहुत मुंबई से सभी को प्यार है, मुंबई ने हमें हमारा वजूद बनाया है, आज हम जो जाने जाते हैं सिर्फ इस मुंबई की वजह से ही है. तो मैं मुंबई के अलावा और कोई बेस्ट प्लेस हमारे लिए हो ही नहीं सकता. अभी तो शो कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है अपने ऊपर, वरना जब शूटिंग नहीं चल रही होती तो मैं स्ट्रीट पे ही पाया जाता हूँ. मेरे घर के पास भी जितने लोग हैं वो सब मेरे को ऐसे जानते ही हैं, अगर क्रॉस करता हूँ तो गाड़ी रुकती है, चाहे वो वड़ा पाव हो, चाहे वो जितनी यहाँ चेन्स हैं उनके हो, समोसा पाव, तो भेलपूड़ी, तो ये सब मेरे बहुत फेवरेट हैं. सेव पूरी जो मैंने एक्चुअली और कहीं नहीं खाई है इतनी अच्छी, तो स्ट्रीट फूड से भी काफ़ी यहाँ का मेरे को, तो आई एम वेरी अटैच्ड. मुझे देखिए सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया वो वड़ा पाव है, और मैं स्पेशली वड़ा पाव सुबह ब्रेकफास्ट मेरा जो नाश्ता है वो वड़ा पाव के साथ ही होता है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो हमारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं, मैं शिमला का रहने वाला हूँ तो हमारे उधर वैसा फ्लेवर बहुत कम मिलता है. तो अभी यहाँ मुंबई में जो मिला है ऐसा अच्छा फ्लेवर खाने को, तो मैं ब्रेकफास्ट में तो वड़ा पाव खाता हूँ. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है क्योंकि हर कैरेक्टर के साथ रहती है, पर योगी एक्चुअली बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग था. ऑब्वियस रीजंस हैं कि इतने लोगों से बात करता है, इतने लोगों से इंटरेक्ट करना है, लेकिन बिना कुछ बोले करना है, सब कुछ हैंड जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू करना है, तो एक चैलेंज था. उसके लिए हमने ट्रेनिंग ली कई महीने और अभी भी ट्रेनिंग चल रही है. तो इट्स अ चैलेंज जो बहुत अच्छा लगा लेने में, कोई भी एक्टर खुशी से उस चैलेंज को लेगा मुझे ऐसा लगता है. और ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट जर्नी सो फार. ये तो देखिए कूडोज टू द सोनी PR टीम, दे आर लाइक डूइंग अ फैबुलस जॉब. आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखिए, दे आर प्रमोटिंग द शो एंड योगी सो वेल, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड हैट्स ऑफ टू द सोनी PR टीम फॉर दैट. हमने बहुत मेहनत से शो बनाया है, बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत हार्टफेल्ट शो है जो आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको आधे घंटे के लिए आपकी परेशानी से दूर रखेगा. स्पेशली आज का एपिसोड जहाँ पे हमारे ब्रदर इन्होंने इतना अच्छा गाना भी गाया है, तो डू कनेक्ट विद अस एंड वी होप टू सी यू देयर. और अब वो इंतजार की घड़ी आ गई है, तो यस ओके. सो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सबकी नजर उस तरफ में है और
और नजर क्यों ना हो, बिकॉज हम जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं वो वहीं पर है. सो एज सून एज ही इज रेडी मैं उनको इशारा करूंगा. वेलकम अपॉन द लीड एक्टर और इशारे इशारों में योगी यानी कि मुदित और उनके साथ अंकुश भरद्वाज जिन्होंने ये गाना यहां पर गाया है. हेलो हाउ आर यू डूइंग. हाय अंकुश, फाइनली मीटिंग यू. मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने इंडियन आइडल पे, बहुत सारे. मुदित, आपका इंतजार यहाँ पे कब से कर रहे हैं? अगर फॉर एग्जांपल आप हाथ लगा सकते हैं यहाँ पे तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है. हम सब यहाँ पे दो दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं एंड वी हैव सीन योर ट्रेलर्स, योर टीजर्स. इट्स बीन रियली रियली अमेजिंग जिस तरह से आपने यहाँ पे किया. हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे दोनों के लिए यहाँ पे. ये कैरेक्टर प्ले करना बहुत ज्यादा सिंपल नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी ये हुआ यहाँ पे. अब मैं आगे का जो इंटरेक्शन है ओके उसके लिए इनको अकेला छोड़ूंगा. ऑलराइट, बी हियर. आप सबसे गुजारिश है कहीं जाइएगा मत. थैंक यू सो मच. जानना था कि आपने ये सारे इशारे किस तरीके से किए और अब तक तो शायद आप इसके एक्सपर्ट भी बन चुके होंगे, राइट? तो कुछ इशारे जो आप मीडिया के लिए, हमारे सबके लिए कुछ करके दिखाएं. और उसका मतलब भी अगर उसके बाद आप समझाएं तो सारे सभी लोगों को पता चलेगा. आई एम वेरी हैप्पी आप सब लोग यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा है. हार्टफेल्ट थैंक यू जी. ओके, सो सैडनेस का इशारा कैसे करते हैं? आई थिंक इट्स ऑल इन द एक्सप्रेशंस. थोड़ा सा सो कुछ ऐसा पर्टिकुलर साइन नहीं है, इट्स ऑल इन द एक्सप्रेशंस. तो कुछ का साइन होता है, कुछ का एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वे करना. जी जी, मैंने जब आपके ट्रेलर देखे तो उसमें एक जो आपका जो साइन है वो काफी खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है. आप ऐसे करके करते हैं जब आप माँ की गोद में लेटे होते हैं, राइट? तो वो एक बार फिर अच्छी तरीके से. वाह क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए. ओके चिंतन, आई थिंक दे आर रेडी इन एवरीथिंग. ओके, कैन आई गिव यू वन सेंटेंस जो कि आप इशारे में हमें एक्सप्रेस कर सके? आई विल ट्राई जो कि यहाँ पे नॉर्मली हम कर रहे थे काफी टाइम से हम लोगों को बुला के. तो सेंटेंस ये है कि ओके, मुझे समोसे बहुत पसंद है, क्या मुझे एक समोसा मिल सकता है? समोसे बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, तो आपके समोसे हम जरूर खिलाएंगे आप जब भी इंटरेक्शन और जब भी हमें इजाजत यहाँ पे मिले करने की. ओके, और लेट्स चेक इफ वी आर डन, वी हैव सम मोर टाइम फॉर दिस.